अभिलेखी व्यक्तियों का आकाश जो है गंदा हो जाता है,
आकाश गंगो जाता जैसे आज आकाश में बादल छा गया तो आकाश बादल से भरा हुआ, ठीक है ना। कलकत्ता जी में जाएंगे तो धूल से भरा हुआ, और अब कहीं पे इंडस्ट्रियल बेल्ट पे जाएंगे ट्रांसफर पर जाएंगे तो आकाश धुआं से भरा हुआ। तो अगले की व्यक्ति सोचते हैं कि आकाश के साथ धूल धुआं बादल इसके साथ संबंध है, परंतु विवेकी व्यक्ति जानता है कि आकाश बहुत दूर है, ऊपर है, एक सामने नीचे, इसके साथ कोई संबंध नहीं, संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार यथा भगवती बालानाम भगनम मणिदे मने, इस प्रकार बालकों का आकाश क्या है, धूल के द्वारा, अभ्र के द्वारा मतलब बादल के द्वारा अथवा धुआं के द्वारा मलिन हो जाता है। तथा भगवती अभुत्थानम अविवेकी व्यक्तियों का इस प्रकार आत्मा जीवात्मा जो है जन्म में मरने वाला राग देश वाला नवगमना गमनता ऐसा मानते हैं, इस प्रकार मन अंतकरण के भिन्न भिन्न दोष के द्वारा आत्मा को दूषित समझते हैं। कौन अविवेकी बालक, अगर बालक शरीर का छोटा बच्चा नहीं है, अविवेकी आइए इसको पढ़ते हास्य टीका में प्रवेश करने के लिए टीका पर बोलते हैं कि माना मेरे पति श्लोक से तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य क्या उसको भगवान बोलते हैं यस्मात, क्योंकि जैसे यस्मात यथा घटा का शादी भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्यादि भेद व्यवहार तथा देहोपाधि जीव भेद के तो जन्म मरणादि व्यवहार तस्मात् तत्कम एव क्लेश कर्म फल मलवत्तम आत्मा न परमार्थ प्रकृति एकम अर्थम निष्ठांगे न प्रतिपादिशन आ। ये फंडामेंटल कंसेप्ट दिया होना चाहिए कि भेद देख के भेद बुद्धि होती है, अपना भेद बुद्धि के कारण भेद व्यवहार होता है। क्या पूछा मैं, ये जो भेद है, भेद दिखाई दे रहा है इसलिए भेद बुद्धि है, अपना भेद बुद्धि है इसलिए भेद व्यवहार होता है। भेद बुद्धि मैंने जन्मांतर स्वामी को मन का भाषण कर लिखा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान भाग्य क्या बोलते हैं जस्मा यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन, भेद बुद्धि कारण है, रूपादि कार्यादि भेद व्यवहार है, उससे रूपादि कार्य के भेद व्यवहार होता है। पहले से हम जन्मांतर संस्कार से भेद बुद्धि का क्यों है, भेद बुद्धि का अभ्यास बना हुआ है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, यह पुरुष है, ये सारा भेद बुद्धि जन्म सामर्थ्य अपने संस्कार से बैठा हुआ, पर ये सब उपाधि में है, आत्मा में नहीं है। इसलिए आगे बोलते हैं कि जब दसमान तथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्यादि व्यवहार रूप भेद रूप क्या प्रकाश कर रहा, रूप नाम और समाख्यान, रूप कार्य समाख्यान माने ये रूप कार्यादि भेद व्यवहार तथा जैसे ठीक उसी प्रकार से देह उपाधि जीव भेद भेद है ना, शरीर की उपाधि से जीव में जो भेद किया गया है ना, ये भेद बुद्धि बैठ कर शरीर में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए जीव में भी भेद मान लिया। और उससे क्या होता है, जन्म मरणादि व्यवहार से उत्पत्ति, इसके ऊपर शरीर की उत्पत्ति होता है, भेद के नाम होता है शरीर के जन्म मरण व्यवहार तस्मात, इसलिए तत्कृतम एव मतलब ये भूत भेद बुद्धि कृतम एव, ये क्या होता है योग दर्शन में जो जीव और परमात्मा को भेद माना, क्यों परमात्मा में क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, विभाग नहीं है, उसका आश्रय नहीं है, क्लेश नहीं है, पंचदोष नहीं है परमात्मा, कर्म कर्म की विभाग फल और उसका संस्कार, विभाग मतलब उसका फल और उसका आश्रय मतलब संस्कार, ये इसमें नहीं है, परमात्मा में नहीं है और जीवात्मा में है। इसलिए कुछ कोई विशेष महत्व कर्म आशय विशेष असल कृष्ण कोई जो विशेष है ईश्वर, ऐसा होती जो विषय की परिभाषा है। तब फिर जो क्लेश कर्म फल और मलवक्त मतलब यहाँ पे क्लेश कर्म और यहाँ पे जो है विपाक और मलवक्त मतलब इसका संस्कार, कौन वेदांत नहीं मानते इसको,
नहीं मानते हैं, वेदांत जीव को भी नहीं मानते हैं तो ईश्वर में काम आएंगे कैसे? ईश्वर ईश्वर में आपको ना क्लेश है, जीव में भी नहीं मानते, ये क्लेश कर्म अविद्या ये सब तो मन के विषय है, बुद्धि के विषय है, परंतु यहाँ पे ईश्वर को परिभाषा दिया क्लेश कर्म विपाक आशय असंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, और ये आजीव में ये है और ईश्वर में ये नहीं है, ऐसा जीव और ईश्वर में भिन्नता मानी लोक दर्शन शांत दर्शन ऐसा मान, इसलिए बोलते हैं कि जन्म मरना भी व्यवहार दर्शना तत्कृतम एवं, और उस जन्म मरना भी भीतर भाष से क्या होता है क्लेश कर्म फल मल रत्तम आत्मन, अभी कई अभी दस हजार आठ दस सौ विधि के पाँच क्लेश और क्लेश के कर्म अभी तक कर्म और कर्म के कारण फल फल और फल के कारण उसका संस्कार संस्कार को जन्म इसलिए बोलते हैं क्लेश कर्म फल मल रत्तम आत्मन, ना परमात्मा से संस्कार लेना पड़ेगा, संस्कार तो फल और मलवत्त मलवत्त से संस्कार, मतलब जो दर्शन जो शब्द आया हुआ है कि क्लेश कर्म फल आशा विपाक और आशय विषय विपाक हो गया फल और आशय हो गया संस्कार, उसी दूसरे जो मलवत्त है उसका संस्कार रखा है प्रतिपादन करने की इच्छा रखते हुए आकाश स्वयं भूमि हो जाता है, आकाश बादल से भरा हुआ होता है, आकाश नीला है, आकाश कथा का रूप होता है, अभिलेखी व्यक्ति ऐसा होता है, विवेकी व्यक्ति को ऐसा दिखाई देने पर भी वो जानता है आकाश कथा इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए बोलते यथा भगवती लोके इस प्रकार श्लोक ब्रह्मा के बालानाम बालाना मतलब स्तनपायी वाले छोटे बालक नहीं है, अभिवेकी नाम अभिवेकी व्यक्ति का गगनम मतलब आकाशम घन रज धूमानी मलिने मतलब घन हो गया बादल रज हो गया धूल और धुआं हो गया स्मोक है ना, ये हो गया रज घन रज धूमानी मले घन हो गया बादल बादल जैसे आज हमारे यहाँ उत्तर कश्म आकाश है बादल की तरह मलिन हो गया और कोई धूल की तरह मलिन देखना चाहते तो भी कुछ शहर हो गया और धुआं की तरह मलिन देखना चाहते तो कोई इंडस्ट्रियल आकाश कैसे मलिन होता है, तत्व हम जानते हैं कि घन रूप रज धुमा भी मले ही मलिन विष्णु का मन के द्वारा आकाश मलिन हो गया मलवत न गगनम मलवत तथा यथात्म विधि के नाम, परंतु आकाश जो है ये मल वाला मतलब दोष रूप तो नहीं होता, इसके लिए जब आकाश की कथा तो विवेक जान यथात्म विवेक के नाम आकाश की कथा तो स्वरूप असंग है, आकाश व्यापक है पूर्ण है, इसलिए उसमें ये सब हो नहीं सकता, ये जानने वाला व्यक्ति के लिए ये कभी नहीं होता, जैसे ये दृष्टांत है कि उसी प्रकार से तथा भगवती आत्मा जैसा आकाश वैसा आत्मा, परोपि परमात्मा भी जो विज्ञाता जो सबका दिन है क्लेश कर्म फल मले मलिनम अभुत्थान वो प्रत्येक आत्मा कर क्लेश कर्म फल और मलिन के मलिनता के द्वारा संस्कार के द्वारा मलिन हो जाता है, किसके दृष्टि से अभुत्थान अमली की व्यक्ति प्रत्येक आत्मा अभुत्थान मतलब प्रत्येक आत्मा विवेक रहित नाम प्रत्येक आत्मा की तथा के स्वरूप से नहीं जानने वाले, अब यहाँ पे देखिए ना आत्म विवेक ना आपके पुस्तक में ये पाठ नहीं है, मेरे शरण के आपके पुस्तक में है एक लाइन लिखना पड़ेगा पूरा, अब देखो लास्ट में ना एक प्रतीक है अविवेक अध्यारोपी के अभी प्रत्येक आत्मा न मलवत के मन प्रयुक्तम फलम तत्र वास्तवम भविष्य आशंका आह
नहीं है। ये नहीं प्रतीक कहाँ पे आपके पास है? नहीं प्रतीक आपके भाषण में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए भाष्य में एक लाइन पूरा के पूरा प्रिंट ही नहीं हुआ। लिखना पड़ेगा। लिखिए कहाँ पे लिखिए? प्रत्येक आत्म विवेक रहितानाम, ठीक है। उसके बाद लिखिए ना आत्म विवेक नाम, ना आत्म विवेक नाम, यहाँ पे विराम कर दें। प्रत्येक आत्म विवेक रहितानाम न आत्म विवेक, आत्म विवेक बता, न आत्म विवेक बता, नहीं उसको अलग चाहिए, उसको अलग छोड़ दीजिए। न आत्म विवेक बता नहीं, वहां से ऊपर से देखिए कि प्रत्येक क्लेश कर्म फल मले मलिनो अभुत्थानम प्रत्येक आत्म विवेक रहितानम न आत्म विवेक बताम। फिर उसके बाद नहीं उषर देश त्रिगवत, नहीं उषर देश त्रिगवत, देशस्त्रिगवत, उषर देशस्त्रिगवत, कृष्णा वाला मरुभूमि के देश में प्यास लग गया किसी व्यक्ति को उसके समान। प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंगादिमान, प्राणी अध्यारोपितो दक फेन तरंगादिमान, फेन फेन पानी अध्यारोपित उदक फेन तरंग, उदक फेन तरंगादिमान, ठीक है। तथा उसके बाद उत्कमा करके लिखे तथा न आत्मा अवधारो अर्पित केशादि मले मलिनो भवति इति अर्थ जलाई लिखा हुआ, ठीक है। सबको इंडिगो जल अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा छोड़ो, मैंने जो पुस्तक में जो है लाइन क्या आ रहा है ऊपर से, प्रत्येक आत्मा विवेक रहिता नाम, ठीक है। इसका आगे क्या लिखा? न आत्म विवेक बताम, ठीक है। वहाँ पे एक आमा पत्र विराम कर दे, करने के बाद नहीं उधर उषर 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 बालू मरुभूमि उषर देश उषर देश मतलब विषर बताम उषर देश त्रुटवत त्रुटवत प्राणी आज आपने लिखा लक्ष्मण पहले से लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। अच्छा नहीं अच्छा, इसीलिए लाइब्रेरी का पुस्तक है तो अलग करके लिख दिया। ना आत्म विवेक बताऊं, हाँ, ना न क्या शर, नहीं नहीं यूशर, नहीं यूशर देश स्प्रुड बत, हाँ प्राण्यध्यारोपित, प्राण्यध्यारोपित इतना अच्छे लग गया। प्राण्यध्यारोपितो दक फेन तरंगादिमान तथा, ठीक है। अच्छा आपको पुस्तक में लिखा आपने क्या लिखा पढ़ो। न आत्मा विवेक बताम, हाँ उषर
मान कदम का आदि मान आदि मान मान है आदि मान तो मत का प्रथम एक वचन आदि वाला तथा ठीक है न आत्मा विवेक वदाम न आत्मा विवेक वदाम वर्णादि उच्चर देशस जड़वत प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंग का अभिमान तथा प्राणी अध्यारोपित उदक को समझ पाए मतलब प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंग को कहा जाता है। आप लाला का जो भी बात है जिसमें जास दिए दीजिए मतलब एक ही पद है प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंग का अभिमान आपके पुस्तक में लिखा हुआ है तरंग तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तो अभी जो पर के आ रहे जिस जिस प्रकार आकाश में बादल से धूल से धुआं से आकाश मलिन नहीं होता परंतु तो अभिवेक की वृत्ति उसको मलिन मानती है उसी प्रकार तथा भगवती आत्मा परो विभिन्न करके परिणत अज्ञान कार तत्कार असंस्पृष्ट अभी तीन नंबर टिप्पणी अज्ञान तत्कार्य असंस्पृष्ट अभी ठीक है ना आत्मा में अज्ञान और अज्ञान के कार्य के साथ आत्मा का संबंध नहीं होने करती जो विज्ञाता जो विशिष्ट विज्ञान या व्यक्ति वो प्रत्येक क्लेश कर्म फल मल मले मलिन अवुत्थान है ना वो प्रत्येक आत्मा क्लेश कर्म प्रत्येक आत्मा क में एक अलग कम चाहिए क्लेश है यहाँ पे कलेश कलेश लिखा हुआ पूरा क लिखा हुआ है कि अलग कम है क्लेश में क और ल युक्त अक्षर है क्लेश लिखा है तो यदि आपको क पूरा लिखा है तो उसको अलग कम कर दीजिए क्लेश ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए कैसे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में राइट हैंड साइड में लिखा है ना और इसमें थोड़ा सा पढ़ने में भी देखिए क में थोड़ा सा जब ये वो इधर वाला मात्र लग गया तो पूरा क हो गया लेकिन नहीं लगा तो अच्छा क हो गया जब ऐसे ही प्रत्येक क्लेश कर्म फल मले मलिनो ये भी यहाँ पे लिखा है चार नंबर के करीब देखिए प्रत्येक अब तो प्रथम इति युक्त पाठ प्रथम आत्मा अंचित धातु से प्रथम शब्द और एक मकान जैसा लुम से हो गया आगे तो प्रथम मौके जैसा होता है मतलब कौन लोग जैसा इसलिए आप बोलते हैं कि यहाँ पे प्रथम ये प्रथम इति युक्त पाकर वो कि देखिए आप फिर मौका दो दिखाई दे रहा है नमो प्रसाद अच नमो नित्यम है तो आपके पास सूत्र वो भूल गए रस्य के बाद यदि दंतना मूर्धना और क वर्ग की नेसल हो तो क्या होता है उसके बाद यदि रस्य स्वर्ण है अच्छी अच्छ बात में हो तो उद्दित होता है उद्दित होते नमो रस्व अच्छी अमुक नित्यम तो ये जो है ये प्रत्यंग इसे दित्य कर दिया गया ये द्वितीय संगत पाठ है परंतु आत्मशास्त्र से अधिक तत्व केवल उस धातु से बनेगा ये जरूरी नहीं है आत्मशास्त्र अनित्य है वे कहाँ कहाँ से शब्द बना सकते हैं इसलिए वो होता तो ठीक था परंतु आविक तत्व नून अभाव होता इसलिए वहाँ पर जो नून आगम हुआ था उसका अभाव होता अब चुनाव का जैसा ड्रॉप हो जाता है नून का आगम हो जाता है और नकार नकार रूप में दिखाई पड़ता है ये अब धातु अथवा अब धातु अब अथवा अब धातु कुटी लायाम गतव की कुटी गत में इससे भी ये आपका प्रत्यक्ष शब्द बन सकता है तो तीनों धातु से बन सकते हैं वो टिप्पणी का कहना है यदि अंशु धातु से बना हुआ तो अपना प्रथम होना चाहिए जनरली प्रथम अर्थ बोलते हैं
अब उसका मतलब वेद माता के आगम शास्त्र के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए ये ऐसा भी कोई अक धातु भी है, कोई अक धातु भी है, कुटिल गति अर्थ में आता है, कुछ गति के अर्थ में आता है कि अक अब 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 कुटिल आयाम गति के धातु अर्थ तत्वांतर अनुसरण दूसरा धातु को मतलब अनुसरण करके ये भी बन सकते हैं, पर प्रत्येक अपना अभिप्राय क्या है, निखिल व्यक्ति साक्षी अर्थ समस्त व्यक्ति हो गया, समस्त व्यक्तियों का जो साक्षी है जिसको वृत्तियों का प्रकाश रखते हैं वो हो गया प्रत्येक आत्मा, वो जो है क्लेश कर्म फल भले मलिन, वो जो है क्लेश पंच क्लेश और उसके मतलब उसके अगर अभी दस प्रकार आते सभी उसका भी कभी काम 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 से कर्म, कर्म से फल फल से कर्म का उसके संस्कार मतलब अच्छा बोलते भी रखी सो के अभी क्लेश कर्म फल मलिन मलिन अभुत्थाना अब कभी नहीं के लिए तो ये होता है प्रत्येक अभिधान मतलब प्रत्येक आत्मा विवेक रहताना प्रत्येक आत्मा संबंधित विवेक विद्यमान है कि क्या नहीं है, कि आत्मा अशुद्ध है पूर्ण है व्यापक है जिसके साथ किसी भी दोष का कभी संस्पर्श होता ही नहीं, ये ज्ञान जिसको नहीं है आपने को करता भूलता माना तो ये क्या सोचता है कि आत्मा भी एक दोष है, इसे बोलता है कि प्रत्येक आत्मा विवेक रहताना न आत्मा विवेक होना पर प्रत्येक आत्मा की विवेक जिसके पास है वो जो है ऐसा है ना उसको उसको जो है वो ऐसा नहीं सोचता, वो आत्मा को सर्वदय अशुद्ध शुद्ध मानते हैं, उसको एक दृष्टांत को देकर के भगवान भाष्य का समझाते हैं, कोई व्यक्ति मरुभूमि में टहल रहा है उसको प्यास लगा, प्यास लगा तो प्यास सामने देखते ही उनको वहाँ पे तालाब दिखाई देता, इसलिए बोलते हैं नहीं मैं वाला करता हूँ क्योंकि ईश्वर पीड़वत मरुभूमि में विचरण करने वाला कृषि तो प्राणी के समान कृषि तो प्राणी मतलब प्राणी को क्या प्यास लगा वो प्यास युक्त जीव जो क्या करता है वो हमें पिछले भारत प्राणी अर्थारोपित तो उस प्राणी के द्वारा आरोपित वहाँ पे क्या देखा उसने जल भी है खेत भी है लहर भी उठ रहा है वो दिखाई दे रहा है उससे उससे उस बालू का रहना जल होता है ना खेत होता है ना कैसे किसी को आप देखिए शब्द भगवान मतलब मरुभूमि में प्यास लगने वाले ये जो सुख की बाहरी सुख की प्यास भोग की प्यास वाले कृष्णा वाले को है ना वो निरीक्षु व्यक्ति अपने को कर्ता भोगता मान करके भोग करना चाहते हैं पर विवेकी व्यक्ति जो है वो जानता है कि भोग दुखदायी होता है इसलिए जो है वो उस आत्मा में भी आदत नहीं करता उषर देश तीव्रवत उषर देश मतलब मरुभूमि में एक प्यासा व्यक्ति मतलब क्या होता है भोग लिप्सु व्यक्ति भोग लिप्सु व्यक्ति आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप कर के मैं इस कर्म को करके इस पद को सर्व कर को भोग करूँगा दूसरे दूसरे को मार के मैं सर्ग में जाऊँगा और क्या होता है महत्तर हुए मिलेगा महत्तर हुए कैसा कैसा ये भगवान है अभी भगवान जानते हैं जल और जल में फेर भी तरंग दिखाई देने लगे समय प्याज बुझ जाएगा तब तो हमारे सारा सुख का साधन प्रति होता है इस प्रकार अभिनेकी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व भोक्तित्व आरोप करके सुख दुख भोगते हैं तब विवेकी ऐसा नहीं करते सुनता न आत्म अभुधार इसलिए आत्मा की बोध नहीं है जिन लोगों का न आत्म अभुधार अर्पित आत्मा संबंधित जगह के लिए मतलब इसका प्रकाशन का भी शब्द देखिए महर्षि वाल्मीकि ने आत्मा में केश कर्म बोध वाला जीव आत्मा को माना आप ईश्वर को परमात्मा को नहीं मानते होते अभुधारो अर्पित क्लेशादि मरे अभिज्ञान अभिवेकी व्यक्ति द्वारा आरोपित क्लेशादि मन के द्वारा आत्मा मलिनो न भवति इति ठीक है न आत्मा कहे अभुधारो अर्पित क्लेशादि मरे आत्मा मलिनो न भवति जैसे कुशल देश त्रिवत प्राणी अर्थारिक उदक प्रेत तदन बुद्धिमान कुशल देश न भवति कुशल देश का बिना कभी नहीं अज्ञान से अर्थारोपित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान कभी भी दूषित नहीं होता जिंदगी मन में डरते क्यों मन में रखते हैं आरोपित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान कभी भी दूषित नहीं होता
आत्मा के ऊपर हमने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर फिर उसके द्वारा वासना जो भी कुछ हमने आरोप कर रखा था उसके द्वारा आत्मा कभी भी दूषित नहीं होगा। अज्ञान के साथ आत्मा का संस्पर्श कभी भी नहीं होगा। ये केवल हमारी मान्यता देकर ही जब हमारे चरण की देखिए पांच नंबर टिप्पणी है प्राणी आरोपित पूजा को फेरना करना उसको पूजा को फेरते उसको तक होते हैं जल के कारण जो हम तेज तरल वाली दिखाई पड़ती है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि जल की प्रकृति होने के कारण आपको हम तरण जो है सब दिखाई देते हैं। इसलिए क्या होता है हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारी वस्तु में शोभना शोभना उत्पन्न होने के कारण ये हमारे लिए सुखदायक हो रहा है। इसी तरह वहाँ पे जल दिखने के कारण हमें वहाँ पे तेज तरल को दिखाई देने लगे कोई बाहरी वस्तु में शोभाना बुद्धि उत्पन्न होने के कारण यह हमारे लिए सुखदायक होगा। लाभ के साथ ये हो गया भाष्य का हो गया। अब देखिए टीका में आ गया श्लोक आप करते हो दसवा तो कहता है घटाकाश मठाकाश शुचि पाशा आकाश देखिए सुन 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 के पीछे छोटा सा छेद होता है उसकी भिन्नता के कारण यहाँ पे क्या बोलते हैं कि घटाकाश मठाकाश शुचि पाश आकाश उपाधि निमित्त भेद आकाश में उपाधि के निमित्त से ऐसा भेद किसी प्रकार से चौरासी लाख योनियों में जीव के भेद दिखाई पड़ता है शरीर की भिन्नता के कारण तद विषय बुद्धि और वो जो है भेद को विषय करने वाली बुद्धि का संस्कार निर्माण कर सकते तब प्रयुक्त रूप भेद आप वो पहले बुद्धि और उसके कारण ये देखने में अलग होगा उसका काम अलग हो अलग ही अलग है बुद्धि प्रयुक्त हो पहले हमारा संस्कार अंदर में बैठा हो तब देखा जाता हुआ कोई भी दबा ना पहले बुद्धि में दबा हो इसी लग बोलते हैं कि तब विषय बुद्धि तब प्रयुक्त रूप भेद उसके द्वारा उस बुद्धि से हम वहाँ के रूप की भेद करते हैं फिर अर्थ किया भेद ये नाम भेद तो पहले दिखाई दिया घटाकाश मठाकाश सूचिकाश कर्माकाश इस प्रकार से रूप भेद की हम कल्पना कर लेते हैं फिर यह अर्थ किया भेद और फिर अर्थ के काम आई उपयोगी तो अलग अलग भिन्न मन में बैठा हुआ इससे ये काम होता है इससे ये काम होता है हम कदम पूरा कल्पना अर्थ किया भेद नाम भेद नाम में भी भेद है यदि व्यवहार इस प्रकार के व्यवहार नवसी मतलब आप नवस प्राप्त करने के नाम यथा उपलब्ध थे जैसे उपलब्ध हो जाता हम करते हैं ठीक उसी प्रकार होना करते हैं यथा उपलब्ध के बाद दृष्टांत का पूरा हो जाने लगा। अब प्राथम तो भक्त सत्ता था देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त है ना देह से नहीं कि शरीर और इस प्रकार मन में भी भिन्नता है बुद्धि में भी भिन्नता है इसे भी इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता कहता था देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त अपने कर्म का अनुसार होते हैं जन्म मरण सुख व्यवहार व्यवस्थित हो जाता है क्योंकि हम किसी में आस्था रखते हैं इस मतलब किसी के ऊपर आस्था रखा जाता है तस्मात
अविद्या विद्यमानेन मतलब उसका यहाँ पे है अविद्या जब तक रहेगा अविद्या विद्यमानेन कृतम एव आत्मा ने उसके द्वारा किया हुआ है आत्मा का प्रतिपादन करने की इच्छा रखते हुए आदो शुरू में दृष्टान्त दृष्टान्त बहुत अच्छा मतलब आपको समझी की ज्ञान और विषय वस्तु की ज्ञान यहाँ पे क्या बोलते हैं तथा उसी प्रकार से देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त जीव भेद देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त जीव भेद तत्कृत और उस जीव उस देहादि प्रयुक्त जो दिव्य उस कारण से कृत जन्म मरण सुख दुखादि व्यवहार व्यवस्थित अस्मात उससे व्यवहार व्यवस्थित हो जाता है ऐसा स्थिति है इसी सिद्धांत को हम आस्था रहते हैं हम उसे तस्मात आस्थी यदि इसी को द्वारा हमारा आस्था रखा जाता है तस्मात एन अविद्या विद्यमान इसलिए वो जो विद्यमान जब तक अज्ञान है उसकी महिमा से सारा काम चलता है जब तक अज्ञान है तब तक भय ईश्वर सृष्टि में कोई कमी नहीं रहता कैसे बोलते हैं एन अविद्या विद्यमान कृतम एवं उसी के द्वारा किया हुआ है आत्मा में आत्मनो रागादि मलबंधन आत्मनो सृष्टि वर्णन आत्मा जब जहाँ पहले धर्म दिखाना होगा तो धर्म को सृष्टि में प्रयोग कर आत्मन रागाद आत्मा का रागादि मलबंधन न वस्तु तो अस्थि पार्थि वस्तु में आत्मा में राग विषादि पर कभी भी नहीं है इति इस प्रकार से एकम अर्थम इस विषय को दृष्टान्त द्वारा एक दृष्टान्त को महात्म बना करके प्रतिविवाद ईश्वर प्रतिपादन करने की इच्छा से आदो दृष्टान्त काम अगर पहले दृष्टान्त को कहते हैं क्योंकि योजना ऐसा अन्य करना पड़ेगा दृष्टान्त भाग निविष्टा अक्षराणी वैदृष्ट दृष्टान्त का क्या है यथा भवति बालानां वदनं मलिनं मलैः दृष्टान्त भाग तथा भवति अभुत्थानम् दृष्टान्त भाग आत्मा मलिनो मलैः दृष्टान्त भाग निविष्टानि अक्षराणि दृष्टान्त भाग में आए हुए जितना पद है उस पद को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्कर दृष्टान्त भाग निविष्टानि उसमें रखा गया है जो अक्षर उसको व्याख्या करते हैं जैसे भगवान भाष्कर यथा भवति लोके भाष्य यथा भवति लोके बालानाम अभिव्यजनाम गगनम आकाशम घन रज धूमादि मलिन मलिनम मलवत् न गगनम मलवत् यथात्मविवेचनम के प्रति वो मलबा कभी भी नहीं होता प्रतिबिंब होती है हमें भी दिखाई दे रहा है आकाश में बादल है परमात्मा निश्चय क्या रहता है आकाश के साथ बादल का संस्पर्श नहीं है आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कोई तो चल जाएंगे फिर सूर्य प्रकाश पूरा दिखाई देगा बादल नीचे द्राष्टान्तिक भाग गतानाम अक्षराणाम अर्थम आह द्राष्टान्तिक भाग में आए हुए अक्षरों का अक्षर पदों का अर्थ को भगवान दर्शन दृष्टान्त भाग का बोल दिया यथा भगवती दृष्टान्तिक भाग के आत्मा ठीक है ना तो दृष्टान्तिक भाग बताना मतलब श्लोक के उत्तरार्थ पहला अर्थ दृष्टान्त बन गया उत्तरार्थ तो दृष्टान्त बन गया है ना दृष्टान्तिक भाग बताना अक्षराणा उसमें आए अक्षरों का पद का अर्थ उसका अर्थ को कहते हैं तथा भगवती अभुत्थान आत्मा भी उस प्रकार से अविवेक की व्यक्ति का आत्मा भी मतलब जन्म गुजरा वही कोष्ठ द्वारा विषित हो जाता अविवेक के कारण अज्ञान के यो ही प्रत्यवात्मा विज्ञाता सो अभी अभुत्थान मलिन भवती संबंध जो प्रत्यवात्मा ज्ञाता है सबको देखने वाला
क्या देखने वाला है? हमारी मन की हर बात, देश जितना भी व्यक्ति उठा उस सबको देखने वाला है। कितना समझने वाले व्यक्ति भी कभी कभी क्या करता है, दृश्य और दृश्य को मिला देते हैं। मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, दृश्य का साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तो ठीक है, हमारी कितना भी हो जाए, यदि आपको हमारी त्रुटि अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई दे, यदि दिखाई दे तो निश्चय कर लेना इसके साथ हमारा संबंध आत्मा का संबंध नहीं, शरीर का साथ संबंध, मन बुद्धि आत्मा के साथ संबंध नहीं। देखने वाला साक्षी भाष्य है, साक्षी भाष्य इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्येक आत्मा की घटना का प्रत्येक प्रत्येक आत्मा की घटना का साक्षी रूप है। स्व के अवुत्थाना को भी अभिगत व्यक्ति के लिए बड़ी रहा है। तब क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं, दृष्टा होते हुए भी समझ रहे हैं कि मैं इसको देख रहा हूँ। जिस प्रकार मेरे शरीर में पैर में दर्द है, मैं इसको देख रहा हूँ, और मैं तो बीमार हूँ। जब तुम इसको देख रहे हो, तुम्हारे पैर का सब व्यवस्था कर रहे हो, इसको दृष्ट हो, ये तुम्हारे सामने दृश्य है, तुम इसका दृष्ट हो। इसलिए ये बीमार बीमारी आपका दर्द पैर में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा इसके दर्द का प्रकाश होता है। परमात्मा फिर से क्या करता है, हम उसको आलू कर देते हैं, प्रत्येक आत्मा विवेक आत्मा विवेक बता आत्म संबंधित विवेक जिसका है वो ऐसे गलती नहीं करते। देखिए अविवेक अध्यारोपित अभी अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा अध्यारोप कर देने पर भी अविवेकी भी अध्यारोपित अभी प्रत्येक आत्मन मलवत के मन प्रयुक्तम फलम तत्व वास्तव भविष्य वास्तव है ऐसा कुछ शंका करते हैं तो उसको उत्तर मिला था। अविवेकी भी अध्यारोपित अविवेकी के द्वारा अध्यारोपित होने पर भी प्रत्येक आत्मा इस अविवेक इस दोष के द्वारा दोषयुक्त हो जाता है। प्रत्येक आत्मा सृष्टि बने प्रत्येक आत्मा का मलवत प्रत्येक आत्मा मलशाली होने के कारण मल प्रयुक्तम फल मल के कारण जो आपके अंदर गंदगी आता है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तब तक वास्तव भविष्य को यथार्थ होगा ऐसा कुछ शंका करते हैं। शंका के उत्तर नहीं क्योंकि है ना। तो अब जाके प्रतीक आता है, देखिए प्रतीक का एक लाइन पूरा छोड़ दिया, पुरानी पुस्तक में है, मन पहले पुस्तक में है, नया पुस्तक आ गया पुराने को संशोधन करने के लिए, क्योंकि नया गलती ना देना और लिखना बनता है। संशोधन स्थिर करने के लिए संशोधन किया क्योंकि निकल लिया इसलिए और लिखना बनता नहीं। तब जाके प्रतीक आता है नहीं कुशल देश कुशल देश में मरुभूमि में प्यास लगा किसी प्राणी को उसके समान प्राणी प्राणी को उसके समान उस प्राणी अध्यारोपित उस पानी मरुभूमि में पानी का भी पानी देखते हैं और उस पानी में वो फेन भी देखते हैं तरंग भी देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अब लोग जानते हैं जो रिफ्लेक्शन है ना, पानी क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाते हैं और फिर रिफ्लेक्शन होता है ऊपर जो पेड़ आदि होते हैं ना वो मतलब पानी का ले हवा का ले एक जगह पे डेंस रहते हैं एक जगह पे रेयर रहते हैं। डेंस लेयर था ना नीचे वाला होता है गर्म होने के ऊपर का ठंडा होता है। तो डेंस लेयर से आप जब रेयर मीडियम में जाते हैं ना रेस का क्या होता है उसमें हिलना होना कुछ ऐसा होता है उसमें ऐसा लगता है वहाँ जो पेड़ है खजूर का पेड़ होता है ना वो लगता है कि उस पानी में गिरता है ऐसा लगेगा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगेगा है राजस्थान के रहने वाले तो ये तो देखते हैं ऐसे कि अभिनय के लिए अध्यारोपित अभी प्रत्यक आत्मन मनोवत्य मनोवत्य मन प्रयुक्तम फलम तत्व वास्तव उस मन के निमित्त से जो फल वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वास्तव होना चाहिए फल वास्तव भविष्य के लिए आशंक ऐसा शंका करने वाले के प्रति उत्तर देते हैं भाई। उसी प्रकार से मतलब भोग लिप्सु व्यक्ति भोग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति वो तो अपने कर्तव्य को भक्तित्व सच मान करके मैं इसको करके इतना करके मैं ये काम किया मैं ये काम किया मैं इसको बोला अपने से विवेक की व्यक्ति करता है इसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। बहुत ही कुशल देश में प्यास लगा हुआ पानी के समान तृप्त तृप्त मतलब तृष्णा तृष्णा
त्रिमत तृष्णा, त्रिमत है तो त्रिश त्रिश, उसका प्रथम एक वचन त्रिपाल है ना। तो उषण देश में मतलब मरुभूमि के देश में प्यास लगे हुए पानी के समान हमारे, देखो ना क्या बोलते हैं, घर तो घर जाता है पर जो तृष्णा नहीं मिलती अवश्य नहीं मिलती, और उस व्यक्ति हमेशा जगह तो सत्य माना रहेगा तो उसे भी दूर दूर रहेगा, तृष्णा मिली नहीं है कोई आरोप करेगा उभर करता प्राणी अध्यारोपितरंगादिमान न भवती न यह संघा भवती तथा उसी प्रकार न आत्मा अबुध अध्यारोपित क्लेशादि मलिन मलिन न भवती, आत्मा अज्ञानी जीव के द्वारा क्लेशादि मल का आरोप कर देने पर भी आत्मा उसके द्वारा मलिन नहीं होता। इस प्रकार से आत्मा श्लोक पूरा होता, पर अभी तो गया एक ठीक है आपने भाषण को संतु भाई, और भी तो देखो शास्त्र स्वयं वर्णन करते हैं कि जीव पैदा होता है जीव मरता है जीव लोग मरलो कमन करता जन्म मरण आवागमन शास्त्र परिवर्तन उसको क्या करोगे, एक आत्मा में ये होना संभव नहीं है, एक आत्मा ऐसा होना संभव नहीं है। तो जननु जीव मरण अनंतरम धर्म अनुरोधेन स्वर्गम गच्छति, आप आस्तिक दर्शन हो, आप आस्तिक दर्शन हो, आपकी दिश के आधार पर आप इसको साबित करो, उसी जगह पे लिखा हुआ है कि धर्म सर्व काम को जनिष्ठो मजेत सर्व काम करने वाला भी तदर्श पूर्ण आशा धर्म सर्व काम मजेत पूर्ण धर्म का कर्तव्य हो जाते हो, अधर्म वसंच नरकम प्रतिपद्य है, अधर्म के कारण नरक को प्राप्त करते हो, धर्म धर्मश्च भोगेन क्षय, इस प्रकार से धर्म अथवा अधर्म जो भी आपने प्राप्त किया उसका भोग के द्वारा क्षय होने पर पुनरागत तो फिर दोबारा मनुष्य शरीर में आकर के योनि विशेष को एक विशेष श्रेणी में फिर पैदा होगा, संभव फिर पैदा होगा, तत्र जावत भोग वहाँ फिर उस शरीर में जहाँ तक भोग है तत्र जावत भोगम स्थित पुनः भी परलोक फिर दोबारा परलोक के लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो इहलोक परलोक गमन फिर जन्म मृत्यु ये आत्मा बन नहीं पाएगा, यदि एक आत्मा मानोगे तो आत्मा भी सब नहीं मानोगे, लोक परलोक संचरण व्यवहार विरुद्ध अद्वैत, इस प्रकार लोक परलोक संचरण व्यवहार में विरोध हो जाएगा अद्वैत में, क्योंकि आप इसी को देखो ब्रह्म सूत्र में भी उठाए इसको लेकर जब तक था वो धार्मिक जब तक बुद्धि के साथ आलोचना करोगे तब तक ही होता रहेगा, जब तक बुद्धि के साथ आलोचना करोगे बुद्धि प्रदान होता है तब तक यही होगा चलता है। यहाँ भी बोलेंगे यावत हेतु फलादेश तावत हेतु फल प्रविष्ण हेतु फलादेश नाम नास्ती हेतु फल अपना बोलेंगे। ये देखिए मतलब शास्त्र लेकर जाने हमारे ऊपर आवश्यकता अद्वैत अनु जीव मरण अनंतर धर्म अनुरोधेन सर्वं गच्छति, जीव अपनी धर्माचरण के अनुसार उत्तराचार मृत्यु के बाद सर्वलोक जाते हैं, अधर्म वशात चाहे नरकम प्रतिपद अब इस दर्शन में कम से कम इतना काम तो कर दिया पूर्व दर्शन में, ये जो अज्ञान से मैं अपने को ब्राह्मण अभी शरीर मानता हूँ वो बोलते नहीं हेतु ये नहीं इतना हमारे लिए काम कर दिया, अज्ञान से व्यवहार किसका होता है क्योंकि ये ब्राह्मण शरीर जाकर के सर्व में बल नहीं पकेगा तुम इससे भिन्न हो, मतलब सूक्ष्म हमारे निर्देशन के कथन से सूक्ष्म शरीर निर्देशित सूक्ष्म शरीर बल भोगने के लिए अधर्म वशात चाहे नरकम प्रतिपद धर्मा धर्म भोगेन क्षय, इस प्रकार धर्म और अथवा अधर्म को भोग के द्वारा क्षय हो जाने पर पुनः आगत दोबारा फिर इस योग में आकर के योनि विशेष संभव होती कोई अपने अपने कर्म के अनुसार फिर एक विशेष योनि से उत्पन्न होंगे, तत्र यावत भोगम स्थित का उस योनि में उस शरीर में जब तक आपका भोग है तब तक रह करके पुनः भी परलोक आयो उसमें कर्माधिकार फिर परलोक के लिए जाते हैं, परलोक आयो प्रतिष्ठते समझना परलोक का यह प्रतिष्ठा सत्य से सुंदर प्रयत्न परलोक के लिए भी कर्म करते हैं। प्रतिष्ठा शब्द बोलते हैं कि स्थिर होना वो बोलते हैं प्रतिष्ठा, परंतु यहाँ स्थान विशेष आदि होता है तत्र जावत भोगम सिद्ध पुनः परलोक आय परलोक के लिए गमन करते हैं,
जाते हैं, इसलिए स्थान विशेष में एक ही धातु को देखिए और फल वहाँ पे जाकर के फल जो कर्म करते हो फल अपने आप भोगता है, दूसरे के लिए नहीं होता, फल इसलिए आत्मनिर्भरी प्रयोग करते हैं। कर्ता की तरह किया गया कर्म का फल यदि आत्मगामी हो गया तो वहाँ पे आत्मा का प्रयोग करने के लिए लिखा है आगे आगे बोलते एक बिना लोक परलोक संचारण व्यवहार विरुद्ध मध्य का, इस प्रकार से लोक और परलोक के आवागमन जो है ना, ये जो व्यवहार होता है ये जो अद्वैत में इसका विरोध हो जाएगा, अद्वैत में इसका विरोध है। एवं इस प्रकार से यह इस जो है शास्त्र में लोक परलोक संचरण व्यवहार, लोक और परलोक में आवागमन के जो व्यवहार दिखाई पड़ता है अद्वैत सिद्धांत में विरोध हो जाएगा। हम तो जन्म मानते ही नहीं आत्मा शरीर अस्पर्शन होता है, इसका उत्तर आह इसके उत्तर में कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि वो श्लोक को पढ़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं। मरणे संभवे चैव, मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि, गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु, स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः, आकाशेनाविलक्षणः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः। मरण मतलब मृत्यु में, असंभव मतलब उत्पत्ति में, फिर गति आगति में, सब कुछ है एक ही जगह पे आप देख लो। उस बोतल रखो उसको देखो, उस बोतल को ऊपर उठाओ तो ऊपर जाएगा आकाश, उस बोतल पे नीचे रहो तो आकाश नीचे आएगा, उस बोतल उत्पन्न हो गया तो आकाश की उत्पत्ति, बोतल घूम गया आकाश नाश हो गया, बिल्कुल आकाश में अभिलक्षण आकाश दृष्टांत के साथ कोई भिन्नता नहीं है, अभिलक्षण इसलिए होता है। वहाँ पर केवल उत्पत्ति देखिए आकाश में आत्मा यदि अनुवर्त जाते हैं, वहाँ पे आत्मा शब्द आकाश में कभी रहता है। भाष्यम तो आत्मनो मरणादो प्रतियमान सत्यति मरणादि गणा आकाश आकाश यो मरणादि और लक्ष्य। भाष्य में जो बोला जा आत्मा में आपको मरण नित्य दिखाई देने पर भी आकाश यो मतलब आकाश संरक्षा करते हुए आकाश संबंधित जो मृत्यु उत्पत्ति और नाश, घटाकाश की उत्पत्ति और घटाकाश की नाश, जैसा होता है घट उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति, घट होते हैं तो घटाकाश की नाश, इसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति से जीवात्मा की उत्पत्ति, शरीर के नाश से जीवात्मा की, लेकिन अभिलक्षण इसमें कोई भी होता नहीं, इसी प्रकार वो रहती है आशीष को होते ही हर घर। आज कौन सा होगा द्वितीय, हाँ सेकंड प्रज्ञा वैशाख मेध शुभित जल निधे वेदनान्तरस्थं भूतान्यालोक्याज्ञान्यविरतः जननकालघोरे समुद्रे कारुण्यादुदरालकृतमरैर्दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुच्छामि पुच्छं परमं गुरुं आदपातैर्न पुरस्मि। Om Shanti Shanti.